sir, chance nahi de raha tha kab se, because I wanted to pitch in. Sir, now there are two, three things. I'll come to beta samjhao, but I'll before that, let me pitch in what it is. Sir, every in India, every 1 hour, there are 5 rapes. Yes. Point number two, we all understand one thing, that 93% to 98%, I have data of 93% rapes are done by known people. Yes. Point number three, rape is not about sex, it is about power. So yeah. Now, जो मैं जो कहना चाहती हूँ, कहना ये चाहती हूँ कि जब वो लड़की अच्छी, दो टाइप के होते हैं, एक तो गैंगरेप होता है, गैंगरेप ऑब्वियसली जो फ्रेंड्स के सर्कल वो करते हैं, तो उसमें कुछ भी कर लो लड़कियों को, आप मैडम ने बताया सेल्फ डिफेंस, उसके बाद में थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगी, बट अगर लड़की को मैंने सेल्फ डिफेंस सिखा दिया तो भी जब गैंगरेप होगा उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा उनको सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाना. अब कमिंग बैक टू जो नोन लोग है, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, नोन लोग. Yes, so this is very, very important, because majority of the part is known persons and we can save this. So no law के लिए सर क्या करना है, पहले से जो girl, लड़की का डिमोर होता है, जो जो जिस तरह उसका अपीयरेंस होता है, कोई आदमी पहले रेप करने खड़ा नहीं हो जाता है. ठीक है, सब लोग पहले देखते हैं, धीरे धीरे ऐसे हाथ लगाएंगे, ऐसा करेंगे, धीरे धीरे देखते हैं लड़की का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है. लड़की स्टॉप कर रही है, नो कह रही है, आंखों से आंखें मिला के बात कर रही है, लड़की मम्मी डैडी को जाके कह रही है, क्या कर रही है वो देखा जाएगा. दूसरा, अगर लड़की का फ्रेंड है और अगर फ्रेंड का तो वो दिमाग वो है और वो लड़का सोच रहा है कि मैं लड़की को फंसा लूंगा, तो ये लड़की, हर लड़की दो चीज से उसको पता, एक उसकी गट फीलिंग होती है सर, गट में उसको पता चलता है, और दूसरा वो प्रेम में पागल होती है. तो मुझे आज ये यूथ लड़कियों को बताना है कि तुम्हारी भी एक गट तुम्हें कभी बोलती होगी कि भाई यह शायद लड़का तुम्हारा लायक नहीं है. सो वो जो प्रेम में पागल होने की है, वो जो फंडा है, वो आपको निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं कि नॉन लोग करते हैं. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम रेप की इतनी बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं रुक रहा है, तो सर ऑब्वियसली नहीं रुक रहा है. अगर ड्यू रिस्पेक्ट मुझे कहना चाहिए, अगर हमने निर्भया का केस देखा फास्ट ट्रैक वाला, तो सर फास्ट ट्रैक में भी देखा सर कितने साल हो गए, ये 8वां साल है और हम लोग तमाशा देख रहे हैं, हमें देख चुके हैं, सॉरी अभी दो महीने. सो सर, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाई आई एम ट्राइंग टू से दिस, कि अभी हमें एज अ पेरेंट, अब मुझे पेरेंट्स से बात करनी है, मैंने लड़कियों से तो बहुत बात करती हूँ, पेरेंट्स से कहना है कि अगर तुम्हारी लड़की कुछ कहती है कि अंकल ने मुझे ऐसे करके टच किया, तो आप उसको सीरियसली क्यों नहीं लेते हो, आप क्यों बोलते कि नहीं बेटा अंकल है जाने दो. सर एक छोटी सी स्टोरी कहना चाहूंगी सर, इफ यू डोंट माइंड सर, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंसेस है सर. एक एग्जांपल देना चाहूंगी ताकि यहाँ सब मम्मियां सुन सके कि एक स्कूल थी, स्कूल में मेहसाणा की, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मेहसाणा के स्कूल में एक लड़की ने अपनी प्रिंसिपल हैप्पी बर्थडे के दिन एक 300 रुपए की चॉकलेट दी. तो प्रिंसिपल के दिमाग में ये बात आई कि बच्ची है, 12 साल की बच्ची है, और कोई ऐसे कोई हाई लेवल घर से नहीं आती है, तो कहां से 300 रुपए की चॉकलेट लाई. वो प्रिंसिपल ने उसकी मम्मी को फोन किया और बोला थैंक यू आपने मेरे लिए चॉकलेट भिजवाई. तो मम्मी बोली कि नहीं मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती 300 रुपए की चॉकलेट, मेरी बच्चियों को तो मैंने टॉफी दी थी. तो फिर मम्मी ने वो बच्ची और उसको घर, वो पेरेंट्स को उस पे क्या कहते, प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया, बच्ची को बुलाया और बच्ची को पूछा कि बेटा ये चॉकलेट कहां से आई. तो वो बताए क्या बोली कि मुझे अपने बाजू वाले अंकल ने दी. अब स्टोरी ऐसी हो रही है सर कि ये लोग पहले मेहसाणा से पहले अहमदाबाद में रहते थे 3-4 महीने पहले, वहां से वो मेहसाणा आ गए. तो मम्मी ने पूछा बेटी कि अभी यहाँ तो हमारे कोई अंकल नहीं है नेबरर में, तो बोले नहीं जो अहमदाबाद में रहते थे वो अंकल ने दी. फिर बाद में पता चला सर कि वो अंकल उसको, अंकल आप समझो क्या था, ऐसा 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 उसको मिलते थे, उसको फुसलाते थे और वो टाइम पास करते थे अंकल. फिर इस पे पूरा स्टॉप लाया गया. इसीलिए दिस इज द रोल नॉट ऑफ जस्ट पेरेंट्स, ऑफ टीचर्स एंड एवरीबॉडी अराउंड, कि अगर उनको कहीं पता चल रहा है कि कहीं कुछ गलत है. जैसे हम गार्डन में चल रहे हैं सर, मैं अगर साबरमती रिवर पर चले जाती हूँ और मैंने एक बार ऐसा केस देखा था कि वो आदमी उसको लड़की को आगे पीछे कर रहा था, तो यू कैन कॉन्फ्रंट देम, यू डोंट हैव टू वरी कि आप लोग कुछ गलत कर रहे हो, बट एटलीस्ट कॉन्फ्रंट करोगे तो पता चलेगा. क्योंकि सर अगेन रिपीट करती हूँ कि पहले नहीं होते, पहले ये सब होता है फिर रेप चालू होता है. लेकिन अगर उसी वक्त वो लड़की घूर के क्या कर रहा है, या यू अपने इस तरह से, सर हमें लड़कियों को इस तरह एम्पावर करना है, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. तो बेटा समझाओ, मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि सर इट इज नॉट अबाउट सेक्स, इट इज अबाउट पावर. तो जब हम बेटा समझाओ की बात करते हैं, मेरे को यहाँ सारे मम्मियों को बताना है कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप आपके बेटे को क्यों नहीं बोलते हो पानी ला, बेटी को हमेशा क्यों बोलोगे पानी ला. ये छोटी चीज है लेकिन बेटे को पता चलता है कि नहीं, ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल घर के काम के लिए. थाली जो बेटा उठाता है तो मम्मी की उसकी थाली
थाली उठाएगी, भाई बेटा थाली उठा के रख, तू किचन में चलो, अभी मुझे नहीं बोलना, आई डोंट वांट टू गेट इनटू हस्बैंड थिंग. इसलिए सर दीस आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट दे आर लॉन्ग गो. एनी दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट स्मॉल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द व्हेन दे आर वेयर दे व्हेन दे आर वेरी स्मॉल फ्रॉम देयर A small age, if these all things are very, very required and important, that is why beta samjhao, we want to emphasize this fourth dimension. And regarding self-defense, do you think all women need to learn self-defense? Yes, definitely. ये तो मेरी टॉपिक है, मेरी टॉपिक है, मेरी टॉपिक है. एक मैं बताना चाहती हूँ. अब unfortunately हुआ क्या है ये भी बता दूँ, क्योंकि ये मेरी अगेन वापस रिसर्च है. Unfortunately हुआ क्या कि सब self-defense चालू हो गया, तो वो कराटे वाले हुर जाते थे आके, ऐसे कूदते थे, जोर जोर से कूदते थे, तो सब इंप्रेस हो जाते थे. बट प्रैक्टिकल क्या इंपैक्ट एनालिसिस हुई है, प्रैक्टिकल क्या, वो एग्जांपल देना चाहती हूँ कि लास्ट में वो लोग क्या 3 दिन का 3 या 4 दिन सिखावे, और लास्ट दिन में ऐसा सिखावे कि भाई वो लड़की लड़के को लात मारती है, लड़का गिर जाता है, लड़की उस पर चढ़ जाती है, ये कौन ही मारती है, हऊ करके बूम पाड़ती है, फिर दोनों पैंट खंखेर के खड़े हो जाते हैं. ठीक है. अब ये हुआ कि जब प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ ना, सर प्रैक्टिकल में, नॉट दिस तमाशा वाला, तो लड़का क्या कर रहा है, गिर तो जाता है मान लो, लेकिन फिर लड़का क्या करता था कि जैसे उसको उसका तो ईगो हर्ट हो गया, तो वो क्या करे, लड़की उसको एक लेवल के बाद इतना मार नहीं सकती है, तो लड़का क्या करे, उस लड़की को फिर भागे, लड़की को सिखाया नहीं कि अब तुझे क्या करना है, तो लड़की खड़ी रहती है, कहती है कि शी इज हैप्पी, लड़का वो लड़की को खींच लेता था, उसका मुंह मुंह छिल जाता था, लड़का उस पर चढ़ जाता था. इसलिए मुझे यहाँ सबको कहना है कि सी सेल्फ डिफेंस इज नॉट दैट, वो कराटे वाला नॉट फॉर लेट्स से 3-4 दिन में आप ये नहीं सिखा सकते, लेकिन सर स्किल्स, अब मैं स्किल्स की बात करूंगी, बहुत सिंपल है, अभी 2 मिनट में बता दी. वी आर इंटरेस्टेड इन स्मॉल स्मॉल टिप्स. स्किल्स में सर जैसे कि आप उंगली घुमाओ, एक सिंपल सर, मान लो आपको सिंपल सी बात बताऊं कि अगर किसी ने मेरा गला पकड़ा, एग्जाम्पल मैं अभी यही दिखाऊंगी, ये मान लो ये मेरा गला पकड़ा है ऐसा, तो आप कैसे छुड़वाओगे, ऐसे मेरा गला पकड़ा कैसे छुड़ोगे, आप बोलोगे ऐसा डक करने, ऐसा हुर करने, पुर कर, नहीं सर. अगर आपका किसी ने गला पकड़ा है तो आपको सिर्फ उसकी ये, क्योंकि उसका दोनों हाथ यहाँ है, तो आपकी इसको, उसको ये, उसकी ये छोटी उंगली है ना, उसको घुमाना है, जैसे आप मोड़ोगे वो अपना हाथ अपने आप वो छूट जाएगा सर गला, आप समझ रहे हो, क्योंकि इसकी ग्रिप टूट जाएगी. सो दीज आर स्मॉल टिप्स. अब जैसे कि कौनी, कौनी हमारी स्ट्रांग होती है, तो यू नो इट इज वेरी इजी कि हम किसी को ऐसे कौनी से मार सकते हैं, वेरी इजी, कोई भी ट्राई करेगा मिल जाएगा. अगर हमारा किसी ने हाथ पकड़ा है तो हम ट्विस्ट करके छुड़ा सकते हैं, ऐसा ऐसा करेंगे तो हमारा हाथ कभी नहीं छूटेगा. किसी ने हमारे बाल पकड़े, आप मान लो आपका किसी ने बाल पकड़ा है सर, अगर बाल पकड़ा है आप बोलोगे मैं छोड़ूंगी छोड़ूंगी, तो मेरा बाल खींच जाएगा, लेकिन मेरे को करना है उसके हाथ पे हाथ रख के उसको मिडल में ला पड़नी है. सो दीज आर सिंपल, ऐसे अभी और भी सारी चीजें हैं, तो सर दीज आर सिंपल थिंग्स. तो लड़की अपने आप को बचा के भाग सकती है, मुझे लड़की को भगाना है, मुझे उसको टसल में नहीं डालना है. और दूसरी बात, सबसे बेस्ट हमारे सबके पास है आवाज सर, अगर आप घर में हो रहा है तो आप बूम पाड़ो, आवाज दो, कोई ना कोई सुनता है, कोई नहीं तो बाजू वाला का कि सुनेगा ही. और सर परपेट्रेटर का दिमाग क्या होता है कि जैसे उसको आवाज से उसको भी डर लग जाता है कि कोई आ जाएगा, तो ये कोई परपेट्रेटर कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि अरे वाह मैं कोई नहीं आएगा, मेरे तो अकेला ही हूँ, नहीं, ही इज ऑलवेज अफ्रेड कि कोई आ जाएगा, तो उसकी ग्रिप छूट जाएगी, और जैसे ही उसकी ग्रिप छूटती है हमें भागना है. सो सर दीज आर सिंपल टिप्स. तो मेरे को यह सबको बताना है कि आप ये गलत फहमी, और ये खास करके मेरे को जो 20 साल की बच्ची है तो आजकल सीख रही है, बट उसके बाद बड़ी लेडीज का क्या, बड़ी लेडीज नहीं सीख रही है, बड़ी लेडीज सोच रही है कि हमें क्या जरूरत है, अरे मैडम लोग आपको भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि तो 5 साल की बच्ची भी सेफ नहीं और 80 साल की बुढ़िया भी सेफ नहीं है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. थोड़ी टिप्स थी सर, आप जब अगर बताओगे आपके यहाँ मैं कभी भी आ जाऊंगी, हमारे 12-15 ऐसे ऐसे स्किल्स है, सिर्फ स्किल्स है, हम समय से भी कराते हैं, फ्री में होता है सब कुछ सर, सो यू कैन ऑलवेज कॉल मी एंड आई कैन टीच दैट.